महत्वपूर्ण खबर, आम आदमी पार्टी के लिए अच्छी खबर। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। आखिरकार 17 महीने के बाद जेल के बाहर आ सकते हैं। आज सिसोदिया शराब घोटाला केस में जेल में थे और लगभग 17 महीने जेल में रहने के बाद अब जमानत मिली है। 26 फरवरी 2023 को इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 17 महीने के बाद एक बार फिर से जेल से रिहाई, आम आदमी पार्टी के लिए एक अच्छी बड़ी खबर कि अब एक बार फिर से दिल्ली के कामकाज में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ दिल्ली सरकार में अपनी भागीदारी देंगे। और अब देखना यह दिलचस्प होगा, बहुत जरूरी होगा बतौर शिक्षा मंत्री दिल्ली के अब आगे काम करते हैं या फिर पार्टी की तरफ से कुछ बदलाव किए जाते हैं। दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को ये बड़ी राहत मिली है। जेल से बाहर आए हैं आखिरकार 17 महीने के बाद। शराब घोटाला जिसमें ना सिर्फ मनीष सिसोदिया बल्कि आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता जो हैं जेल की हवा खा चुके हैं बल्कि खा भी रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी शुमार है, लेकिन इस समय मनीष सिसोदिया के लिए एक राहत की खबर, 17 महीने के बाद हुई है जमानत। ये लगता है कि ईडी का जो जांच की प्रक्रिया है उस पे भी सवाल उठा है। उन्होंने कहा है कि जब आपके पास दस्तावेज मौजूद है तो टेम्परिंग का कोई मतलब नहीं बनता। अगर 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 इतने दिनों तक जो है आप इनको इनकार्सेशन में रखे हैं, इनको जेल में रखा है और ये जो है बेल के प्रिंसिपल के खिलाफ है, चाहे वो ईडी का केस हो चाहे सेक्शन 45 हो, वो जो कार्डिनल रूल है बेल का वो जो है वो लागू होता है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ऑलरेडी जो है 17 महीने का जो है जेल ऑलरेडी मनीष सिसोदिया जी काट चुके हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के तमाम दलीलों को खारिज करते हुए मनीष सिसोदिया जी को बेल ग्रांट किया। और एक और बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर नगर निगम ने इन दिनों एक विवाद की खूब चर्चा हो रही है। गाजियाबाद की मेयर सुनीता दयाल और नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक के बीच में इन दिनों तल्खी बढ़ गई है। विवाद के पीछे जो वजह सामने आ रही है वो ये है कि मेयर सुनीता दयाल के पति शासकीय कामों में दखल दे रहे हैं। पत्र में नगर आयुक्त ने कहा है कि शासकीय कार्य की पत्रावलियां नगर आयुक्त की स्वीकृति के बिना मेयर के पति के सामने रखी जा रही हैं। नगर आयुक्त विक्रमादित्य मलिक ने पत्र लिखकर आदेश दिया है कि किसी भी निर्वाचित मेयर और पार्षद के सगे संबंधियों को फाइल और फाइल की फोटो कॉपी ना दी जाए। यदि स्टाफ इस तरह का काम करते हुए पाया जाता है तो एक्शन लिया जाएगा। इस पत्र के बाद अब मेयर और निर्वाचित पार्षदों के सगे संबंधी नगर निगम के स्टाफ से किसी भी प्रकरण से जुड़ी हुई फाइल की फोटो कॉपी हासिल नहीं कर पाएंगे। और आइए बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल गौतम बुद्ध नगर स्कूल प्रशासन के एक सुझाव से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल स्कूल प्रशासन ने पेरेंट्स से बच्चों के टिफिन में नॉनवेज आइटम ना भेजने की अपील की है, जिसके पीछे स्कूल की प्रिंसिपल का तर्क है कि नॉनवेज आइटम के टिफिन में खराब होने की संभावना ज्यादा रहती है। तो नॉनवेज आइटम जो बच्चों को दिए जाते हैं जिसमें अंडा भी हो सकता है और भी चीज़ें हो सकती हैं, इससे ये खाना खराब जल्दी हो सकता है, ये तर्क दिया जा रहा है डीपीएस की तरफ से, जिससे बच्चे की हेल्थ खराब हो सकती है, उस पर बुरा असर पड़ सकता है। साथ ही सभी बच्चे एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, ऐसे में कुछ बच्चे नॉनवेज खाने वाले हैं और कुछ बच्चे वेज खाने वाले हैं जो नॉनवेज से परहेज करते हैं। अब प्रिंसिपल के मुताबिक उन्होंने पेरेंट्स से नॉनवेज आइटम ना भेजने का सिर्फ अनुरोध किया है, कोई सख्त पाबंदी इसके ऊपर नहीं लगाई गई है। गौतम बुद्ध नगर के बाद खबर लखनऊ से है, जहां पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल के एक्स अकाउंट पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। पीएम मोदी और सीएम योगी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के आरोप लगे हुए हैं। समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ऊपर अब एफआईआर दर्ज करके जांच कर रही है हजरतगंज पुलिस। सादतगंज लकड़मंडी के भाजपा नेता विजय कुमार भुर्जी ने एफआईआर दर्ज कराई है। 3 अगस्त को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए आपत्तिजनक पोस्ट का आरोप है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक बेहद ही अजीबोगरीब मामला सामने आया। कुशीनगर के एक शख्स जिसकी मौत हो चुकी है, उसकी शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। इतना ही नहीं, उसके हस्ताक्षर भी लिए गए। आखिर ये पूरा मामला क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में।
क्या ये संभव हो सकता है कि अगर कोई इंसान इस दुनिया में ना हो और वो पुलिस में जाकर शिकायत करके FIR दर्ज करवा दे। इतना ही नहीं, मौत के 3 साल बाद उसकी तरफ से केस दायर किया जाता है, जांच अधिकारी उसका बयान भी दर्ज करते हैं और पुलिस जांच करके चार्जशीट भी दाखिल कर देती है। अब ऐसा कोई मृत इंसान तो नहीं कर सकता। अगर वो शख्स जिंदा ही नहीं है तो क्या उसका भूत धरती पर आ गया? जो केस करता है और समय समय पर पुलिस के सामने हाजिरी देकर बयान दर्ज करवाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से ये मामला बेहद चौंकाने वाला है, जिसे सुनकर जज साहब भी हैरत में पड़ गए। कहा जा रहा है कि कुशीनगर के रहने वाले शब्द प्रकाश की मौत 19 दिसंबर 2011 में हो गई थी, लेकिन साल 2014 में केस किया गया। कोर्ट हैरत में तब पड़ी कि आखिर एक भूत कैसे FIR दर्ज करा सकती है और भूत का विवेचना में विवेचक द्वारा बयान कैसे दर्ज किया जा सकता है। इस मामले को जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी ने बेहद गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने SP कुशीनगर से इस मामले में जानकारी मांगी है। दरअसल कोतवाली हाता में यह मामला दर्ज कराया गया था और इस मामले में आश्चर्यजनक पहलू यह है कि इस मामले में जो FIR दर्ज कराने वाला भूत है उसने वकालतनामे पर भी हस्ताक्षर किए हैं। गौरतलब है कि कुशीनगर के रहने वाले आरोपी पुरुषोत्तम सिंह समेत उसके 2 भाई और 2 बेटों ने पुलिस की तरफ से दाखिल आरोप पत्र में इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है। दोनों पक्षों के बीच में जमीन का पुराना विवाद चल रहा था, लेकिन मृत शख्स कैसे FIR कर सकता है? इतना ही नहीं, कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे पर अपने दस्तखत भी कैसे कर दिए? इस मामले में बार रजिस्ट्रेशन को भी कहा है कि अधिवक्ता विमल कुमार पांडे जिन्होंने वकालतनामे पर हस्ताक्षर कराए हैं उन्हें भी ताकीद करें कि ऐसी गलती भविष्य में दोबारा न हो। लेकिन यह पूरा मामला अपने आप में न्याय व्यवस्था के साथ ही साथ पुलिस सिस्टम पर भी गंभीर सवाल खड़ा करता है। हालांकि पुरुषोत्तम सिंह व अन्य 4 की ओर से एक मामला दर्ज कराया गया था, एक अपील दाखिल की गई थी और इसमें आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस पूरे मामले की सुनवाई के बाद आपराधिक कार्यवाही तो रद्द कर दी है, लेकिन कुशीनगर SP से इस पूरे मामले में जवाब तलब कर लिया है कि आखिर विवेचना अधिकारी किस तरह से भूत के बयान दर्ज कर रहे हैं, इस बारे में वो बताएं। हाईकोर्ट ने केस को लेकर सख्त नाराजगी जाहिर की और सख्त लहजे में चेतावनी भी दे डाली। प्रयागराज से न्यूज 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट।